हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेवी SSR A की जो नई वैकेंसी आई हुई है 2021 में, यानी कि जो नई वैकेंसी आई है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। दूसरा, हम ये देखेंगे कि क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा। जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड इशू होगा, या फिर कुछ उन लोगों का बोर्ड का क्राइटेरिया है जिसके थ्रू एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि परसेंटेज की कोई ज़रूरत है या नहीं, उसमें कोई परसेंटेज का मायने है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूरे नोटिफिकेशन पे डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। ध्यान से समझिएगा क्या है नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2021 बैच के लिए है, और ये जो अब नोटिफिकेशन आया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग फिल करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं इसी नोटिफिकेशन के जरिए। तो देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट, यानी कि ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि सिर्फ इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर AA and SSR, यानी कि ये AA and SSR का वैकेंसी है। फॉर 500 and 2000 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग 500 और 2000, यानी कि टोटल 2500 वैकेंसीज है जो अगस्त 2021 बैच के लिए है। दोस्तों, 2500 वैकेंसी है जो अगस्त 2021 बैच के लिए है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, आइए चलते हैं आगे देखते हैं। 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटेन एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसा कि इसमें क्लियर कर दिया है कि टोटल 10,000 कैंडिडेट्स जो होंगे वही एग्जाम में, रिटेन एग्जाम में हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का क्राइटेरिया रहेगा जिसको ये बुलाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से ये एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे उसमें क्राइटेरिया जरूर रहेगा, तभी 10,000 कैंडिडेट आ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो कट ऑफ इन लोग का बनेगा वो रिटन एग्जामिनेशन के जरिए बनेगा, और वो भी स्टेट टू स्टेट बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो AA के लिए जो है वो क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विथ 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि AA का जो वैकेंसी है उसके लिए 10+2 होना अनिवार्य है, साथ में उसमें 60% होना चाहिए, यानी कि 12वीं में 60% अनिवार्य है, और साथ में जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ और फिजिक्स जरूर होना चाहिए। यानी मैथ और फिजिक्स वाले ही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका 12th में 60% मार्क्स है। और आगे चलते हैं। मैथ और फिजिक्स के अलावा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे। ये AA का वैकेंसी था। अब SSR के बारे में देखते हैं। इसमें भी 10+2 एग्जामिनेशन वाले ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मैथ और फिजिक्स इसमें भी होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स जरूरी है, यानी कि दोनों वैकेंसी में एक चीज़ सेम है कि मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, बशर्ते AA में 60% मार्क्स जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन SSR में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। SSR के लिए सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते पास होना जरूरी है। ठीक है, 10+2 में पास होना जरूरी है। अब आइए एज लिमिट पे चलते हैं। एज हमारा जो है, बच्चों का एज जो होगा कैंडिडेट्स का, वो 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 है वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जुलाई 2004, यानी कि 31 जुलाई 2004 तक भी अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन की बात नहीं है, एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता है। चाहे कोई कैंडिडेट OBC हो, SC हो, ST हो, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। यानी कि इसमें
फीस में कुछ कमी हो जाएगी, मतलब जैसे फीस में रिलैक्सेशन हो सकता है एससी एसटी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन एज में नहीं रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ये पे एंड अलाउंसेस यानी कि कितना इन लोगों को इनकम मिलेगा वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है टोटल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्शन क्राइटेरिया दोस्तों देख लेते हैं। सेलेक्शन क्राइटेरिया ये देखते हैं, ड्यू टू कोविड-19 एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर एन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटेन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी। दोस्तों रिटेन एग्जामिनेशन और फिजिकल के लिए 10,000 बच्चों को, 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटेन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन। द कट ऑफ मार्क्स मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैव बीन एलोकेटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम और पीएफटी होगा यानी कि फिजिकल होगा, वो 10+2 के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं रिटन टेस्ट में देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल कंपराइज फॉर ऑफ फोर सेक्शंस, यानी कि चार सेक्शन होंगे, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जीके यानी कि जनरल नॉलेज। नेक्स्ट हमारा है कि जो ये सिलेबस है वो 10+2 यानी कि 12वीं के सिलेबस के हिसाब से 12वीं लेवल के ही सिलेबस से रहेगा। ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, टाइम 1 घंटे का रहेगा और ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। एक ही दिन में रिटन एग्जाम और पीएफटी यानी कि फिजिकल दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी, क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी इज मैंडेटोरी फॉर सेलेक्शन। पी एफ टी विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ है 7 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, और 20 उठक बैठक एंड 10 पुशअप है। ठीक है, 10 पुशअप है, ये आप लोगों को फिजिकल के समय कराया जाएगा। ठीक है, और मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर ए ए एंड एस एस आर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मतलब किस बेसिस पे मेरिट तैयार होगा वो देख लेते हैं। ए ए टॉप 600 कैंडिडेट्स ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट पे ये मेरिट बनेगा और उसमें 600 कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, 600 कैंडिडेट इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए ए विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का। ये जो 600 कैंडिडेट होंगे इनको INS चिल्का में बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल कराने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। वही हाल SSR का भी है, 2500 कैंडिडेट इसमें आएंगे। विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। देखिए, इसका स्टेट वाइज मेरिट बनेगा, SSR का स्टेट वाइज मेरिट बनेगा, उसमें 2500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा और उनका इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा INS चिल्का में, दोनों होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है नोट में, द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर SSR एंट्री, मतलब SSR के लिए जो मेरिट बनेगा वो स्टेट वाइज बनेगा। ठीक है, यही इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम बता देते हैं। दोस्तों आइए ट्रेनिंग पे चलते हैं, ट्रेनिंग में क्या होगा देखते हैं। द ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंस इन अगस्त 2021 विथ 9 वीक्स फॉर ए ए, मतलब 9 हफ्ते का होगा ट्रेनिंग डबल ए के लिए। ठीक है, अगस्त में 9 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग होगा डबल ए के लिए एंड 22 वीक्स फॉर SSR, और 22 हफ्ते का होगा, मतलब 22 वीक्स का होगा SSR का लिए। ठीक है, SSR के लिए, और ये कहाँ होगा, INS चिल्का में। ठीक है, INS चिल्का में होगा। आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं इनिशियल इंगेजमेंट, ये क्या होता है। इसमें जो है, द इनिशियल इंगेजमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फॉर ए एंड 15 ईयर्स फॉर SSR।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का नोटिफिकेशन। और देखते हैं इधर क्या है, देखते हैं दोस्तों कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, ठीक है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो फोटोग्राफ इसमें अपलोड होगा वो उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड जो होगा फोटो का वो ब्लू होना चाहिए, और वही फोटो आप लगाएंगे जो ब्लू बैकग्राउंड का होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों इसके लिए हम सिलेबस पे भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर चैनल अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए होंगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर कुछ छूटा रहेगा कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।